हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने लेसन स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.2 जो है कोडा के बुक से, उसको मैंने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 जो है अगेन कोडवा के बुक से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन। अब मान लो कि नोटबुक्स, 4 नोटबुक्स की जो प्राइस है, 4 नोटबुक्स की प्राइस हमारे पास है 60 रुपीज। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई उसकी प्राइस। तो 12 नोटबुक की प्राइस दी है 180 रुपीज। ठीक है, अब इनका रेशियो लेते हैं, नोटबुक का रुपीज के साथ रेशियो। तो 4 नोटबुक की 60 रुपीज है तो 4:60 हो गया, 12 नोटबुक की 180 है तो 12:180 हो गया। अब इनका रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे, 4/60, 12/180 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से 60 को डिवाइड करो तो 1/15 आया, 12 से 180 को डिवाइड करो तो 1/15 आया। सी हियर, बोथ रेशियोज आर इक्वल, सो वी विल पुट हियर इक्वल टू साइन। देयरफॉर वी कैन से दैट 4/12 = 60/180, दैट इज 4:12 = 16:180। अब ऐसे जो इक्वलिटी होती है जिसमें दो रेशियोज इक्वल होते हैं, अगर आपको फोर टर्म दिए है, मान लो कि ये फोर टर्म है 4, 16, 12 और 180, ये फोर टर्म अगर इस तरह से है, पहले दो टर्म का रेशियो एज थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो, तो ये अगर सेम है तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इट मीन्स दैट नोटबुक और जो रुपीज है उनकी जो क्वांटिटी और प्राइस है, दे आर इन प्रोपोर्शन। गॉट इट? सो प्रोपोर्शन इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नंबर। सच एन इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो चलो एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं हम इसका। जैसे ए बी सी और डी, मान लो कोई भी फोर नंबर्स है, इसमें ए और बी का रेशियो लेते हैं तो वो हो जाएगा a:b, और सी और डी का रेशियो लेते हैं c:d। अब अगर ये दो रेशियो इक्वल है, मान लो इस तरह से इक्वल है, इट मीन्स दैट दीज फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, सो हमें इसको कैसे लिखना है? सो वी विल राइट इट एज a:b एज c:d। सो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। और इसको रीड कैसे करना है? a:b एज c:d, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली, फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रोपोर्शन में जो ये दैट इज फर्स्ट टर्म, बी इज सेकंड टर्म, सी इज थर्ड टर्म एंड डी इज फोर्थ टर्म। सो a:b एज c:d, तो ये हो गया प्रोपोर्शन में, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। अब इसमें जो है a एंड d, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, बी हो गई सेकंड टर्म, सी हो गई थर्ड टर्म एंड डी हो गई फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म, जैसे a एंड d, इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम टर्म्स, या फिर हम इसको सिंपली कहेंगे एक्सट्रीम्स। ओके, एक्सट्रीम टर्म या फिर एक्सट्रीम्स। और b और c जो है इनको कहते हैं मीन टर्म्स, इनको क्या कहेंगे? मीन टर्म्स। व्हाट इट? या फिर इसको मीन्स कहेंगे, या फिर हम इसको कहते हैं मिडल टर्म्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है।
आपको तो पता है ये इज टू बी एच सी इज टू डी मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर यू विल गेट ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो ये मल्टीप्लाई डी है ने, ये और डी तो मीन एक्सट्रीम टर्म है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देयरफॉर वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बी और जो सी है वो मीन टर्म्स है, है उसका प्रोडक्ट। तो अगर फोर नंबर कोई प्रोपोर्शन में है, मान लो कि ए बी सी और डी ये चार नंबर प्रोपोर्शन में है, तो ये अगर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। और आपको पूछा है कि क्या ये चार नंबर प्रोडक्शन में है, तो पहले आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइन करना, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन फाइन करना। अगर दोनों इक्वल है इट मीन्स यू कैन से दैट दिस गिवन फोर टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वी विल सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब मान लो कि थ्री नंबर्स है हमारे पास, ए बी और सी, ये तीन हमें टर्म्स दिए हैं। अब ये टर्म इस तरह से है, ए इज टू बी एंड इक्वल टू बी इज टू सी, यानी पहली और दूसरी का रेशियो विल बी इक्वल टू थर्ड सेकंड और थर्ड का रेशियो है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, देन अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, जिसमें ये जो सी सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो ये तीन में से ये जो सी है इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, और ये जो मिडल में होता है बी मिडल टर्म, तो इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, सॉरी इसको क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अब देखो ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी हो गया। तो ए बी सी तीन ही नंबर है, तो तीन नंबर होते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो इसमें आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट हियर बी इंटू बी इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी इज ए सी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो आपको जब भी बी ए और सी तीन में से कोई दो टर्म दिए थर्ड फाइन करने, तो इस फॉर्मूले से हमें फाइन कर सकते हैं।